आयुष ग्राम चिकित्सालय में आपका स्वागत है। आयुष ग्राम चिकित्सालय भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। यह शांत और सुरम्य स्थान में अवस्थित है। आयुष ग्राम चिकित्सालय एक ऐसा अग्रणी संस्थान है जहां प्रतिमाह ऐसे ऐसे किडनी, हार्ट, शिरो रोग, लीवर रोग, जोड़ों, हड्डियों और रीढ़ के रोगों की चिकित्सा आयुष पद्धति से हो रही है, जिन्हें आधुनिक चिकित्सा विज्ञान एलोपैथी ने डायलिसिस में डाल दिया या डायलिसिस बता दिया, बाईपास सर्जरी कर दिया या बाईपास सर्जरी घोषित कर दिया या स्टेंट डाल दिया, पेसमेकर लगा दिया, ऐसे ही अन्य रोगों में ऑपरेशन घोषित कर दिया। आयुष ग्राम चिकित्सालय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, बिहार, बंगाल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर के अलावा नेपाल, भूटान तक के रोगी आकर आरोग्य लाभ लेते हैं। बीपी, किडनी, लीवर, यूरिया, कैल्शियम ऐसी तमाम समस्याएं रामश्री जी को थी, आइए आज इनके बारे में सुनते हैं। किडनी के बारे में ये कहना चाहेंगे कि नहीं, यहाँ आयुर्वेद का इलाज सही होता है। हाँ, डायलिसिस और इससे बचने के लिए ये अच्छा तरीका है। नाम क्या भैया? सुनील। माता जी का? रामश्री। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? कानपुर जिले घाटमपुर तहसील निवरापारा गांव। अच्छा, माता जी को क्या समस्या थी? माता जी को समस्या पहले बीपी की हुई थी, इसके बाद जब जांच कराया तो पता चला किडनी की और लीवर की समस्या है। बीपी की समस्या कब हुई थी? लमसम 8-9 महीने हो गए। 8-9 महीने तो बीपी का इलाज हुआ होगा? हाँ, बीपी की दवा चल रही थी। फिर उसके बाद बीपी के बाद क्या हुआ? बीपी के बाद जो है कि किडनी जब जांच कराई 29 तारीख को, तो किडनी और लीवर, यूरिया, कैल्शियम, ब्लड भी कम था जी। फिर उसके बाद इन सब चीजों की जो जांच हुई, कहाँ इलाज कराया? ये कराया था कानपुर धनवंतरी में। वहाँ पे क्या इनको कैसा क्या? 5 दिन एडमिट रखा तो वहाँ किडनी बढ़ रही थी। अच्छा। 7 पॉइंट कुछ से एडमिट किया था, 9.14 हो गए। अच्छा। तो लाभ नहीं मिल रहा था वहाँ, लाभ नहीं मिल रहा था, बढ़ रहा। फिर उसके बाद? उसके बाद फिर यहाँ हम आयुष ग्राम लेके आए। यहाँ ये हम यहाँ पर इलाज करा चुके थे। अच्छा, किसका? अपना। अपना किस चीज का आपने कराया? हमारे लीवर एब्सेस हो गया था। अच्छा, तो आपको आराम लग गया था? हाँ जी। फिर माता जी को यहाँ लेकर? माता जी को लेकर। तो यहाँ कब से एडमिट है माता जी? माता जी यहाँ एडमिट हुई थी 3 तारीख को। 3 तारीख। स्थिति ढील थी, कमजोर थी और किडनी बड़ा हुआ था, 9 पॉइंट था यहाँ जब जांच हुई थी जी। और ब्लड कितना था? ब्लड 6.8 था। इलाज यहाँ हुआ, यहाँ क्या लाभ मिला? यहाँ जो है कि पिछली रिपोर्ट में 8.1 हो गया था किडनी, 7 पॉइंट ब्लड हो गया था, अब ठीक है जी। तो अब आराम उनको? हाँ, आराम है जी। आई जो डिस्चार्ज कब हो रहे हैं? आज हो रहे हैं, 24 तारीख को। आयुष ग्राम हॉस्पिटल जो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किडनी के बारे में ये कहना चाहेंगे कि नहीं, यहाँ आयुर्वेद का इलाज सही होता है जी। हाँ, डायलिसिस और इससे बचने के लिए ये अच्छा तरीका है। आयुष ग्राम चिकित्सालय, आयुर्वेद हॉस्पिटल। हाँ जी। दादी, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा हो? अच्छा लग रहा हो। ठीक है आप? पहले कैसा लगता था? पहले तो बहुत उलझन रहा है। अच्छा, उलझन।